दोस्तों मंगलवार को अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। देखिए आज के स्टूडियो में आपको कुछ ऐसी वास्तु टिप्स बताने वाला हूँ जिनके चलते आप अपनी जिंदगी में कभी भी नाकामयाबी को नहीं देखेंगे। आज के टॉपिक में हम बहुत सारी बातें कवर करने वाले हैं, जैसे कि वास्तु फॉर मनी, वास्तु फॉर प्रोस्पेरिटी, वास्तु टू अट्रैक्ट मनी। देखिए आज का जो मेन मोटिव है वीडियो बनाने का वो यही है कि मंगलवार के दिन आप अपना बचाव कैसे करें, कैसे अपने आप को बर्बाद होने से बचाएं। तो ये वास्तु टिप्स बस आपके लिए हैं। ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चलिए बात करते हैं मंगलवार को क्या ना करें जिसके कारण आपको बर्बादी का चेहरा देखना पड़ सकता है। देखिए सबसे पहली चीज़, मंगलवार को आप किसी के साथ झगड़ा ना करें, खासकर अपने भाइयों के साथ। दोस्तों वास्तु का कहना है मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी अपने रिश्तेदारों के साथ बड़े लॉयल रहे हैं, कभी अपने चाहने वाले के साथ झगड़ा नहीं किया, बड़े ही शांत तरीके से थे। देखिए जब उन्होंने रौद्र रूप धारण किया तो आपको पता है कैसे उन्होंने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया, लेकिन दिल से बड़े ही शांत स्वभाव के थे हमारे संकट मोचन। तो बताया गया है वास्तु टिप ये है कि आप इस दिन कभी भी अपने भाई के साथ झगड़ा ना करें। दोस्तों दूसरी चीज़ है सहवास। देखिए आप अपने साथी के साथ सहवास करने से बचिए। देखिए ब्रह्मचार्य का पालन किया हमेशा हनुमान जी ने, और हमेशा उनके मंदिर में लड़कों की तादाद आपको ज़्यादा पाएगी। औरतों को कहा गया है कि आप हनुमान जी की पूजा कम ही करें, क्योंकि वो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे और यही वो भी चाहते थे। इसके चक्कर में अगर आप मंगलवार के दिन सहवास करते हैं तो आपके घर का वास्तु खराब हो सकता है, आपके घर का कैश फ्लो खराब हो सकता है, आप बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। तो अपने आप को मंगलवार के दिन सहवास करने से बचाएं, अपने पार्टनर को ये बात समझाएं और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा बचें। दोस्तों अगली चीज़ है नमक और घी। देखिए मंगलवार को आप नमक और घी खाने से बचिए। कुछ लोगों का कहना है कि आप मंगलवार को चूरमा खाएं आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि घी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग मंगलवार को दाल चूरमा खाते हैं, कहते हैं कि भाई हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हम चूरमा खाएंगे, तो मैं आपको बता दूं चूरमे का भोग हनुमान जी को लगाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये उनका प्रिय भोजन है तो हम सब भी वही खाएंगे। देखिए घी से आपको बचना है, नमक से आपको बचना है, तो इस दिन आप चूरमा खाने से भी बचिए, क्योंकि चूरमे का जो भोग है वो हनुमान जी को लगाया जाता है और उनके भक्त होने के नाते उनके भोग का सेवन करना आपके लिए थोड़ा गलत है। दोस्तों इस बात पर हमेशा विवाद उठाए गए हैं, चूरमा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और कमेंट करके बताओ क्या आपके एरिया में, आपके इलाके में हनुमान जी के मंगलवार वाले दिन आप लोग चूरमे का सेवन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। दोस्तों अगली चीज़ है मांस खाना या फिर शराब पीना। देखिए अगर आप तरक्की की ओर जा रहे हैं और आप मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वो भी मंगलवार के दिन, तो मैं आपको बता दूं आपकी राह में इतने रोड़े आएंगे, इतनी बाधाएं आएंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि यार सब कुछ अच्छा करते हुए भी जीवन में ये तरक्की क्यों नहीं हो रही है। या फिर आपको ऐसा लगे कि यार मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ काम को, लगन के साथ लगा हुआ हूँ, फिर भी मेरी तरक्की नहीं हो रही है, मेरे काम बन क्यों नहीं रहे हैं, तो बस एक बार अपने अंदर झांकिए और जांचिए कि आप मंगलवार के दिन मांस का सेवन तो नहीं कर रहे हैं, आप मंगलवार के दिन मदिरा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अभी से ही बंद कर दीजिए। दोस्तों एक और चीज़ है कि आपको मंगलवार के दिन ऋण नहीं देना चाहिए, यानी कि आप इंटरेस्ट पे पैसे नहीं देंगे या पैसे ही नहीं देंगे। दोस्तों पैसे के वास्तु में, वास्तु फॉर मनी में मैंने आपको बताया है कि इंटरेस्ट पे कभी भी, ब्याज पे कभी भी आपको पैसे नहीं देने चाहिए, आपके घर का वास्तु खराब हो जाता है। और जो लोग उनके घर में खाना खाते हैं जो ब्याज पे पैसे देते हैं तो भी उनका वास्तु खराब हो सकता है। लेकिन मंगलवार को स्पेसिफिकली बताया गया है कि आप किसी को ऋण ना दें, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वो ऋण आसानी से नहीं मिलेगा। दोस्तों अगली चीज़ है आपकी यात्रा। अगर आप कहीं जा रहे हैं मंगलवार के दिन तो याद रखिए आप पश्चिम की ओर ना जाएं, ना ही आप जाएं उत्तर दिशा की ओर। ये दोनों दिशाएं मंगलवार के दिन वर्जित मानी जाती हैं, आप इन दोनों दिशाओं में यात्रा करने से बचें। दोस्तों ये थी वो बातें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन अंत में आपको बता दूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। देखिए इस दिन आपको लाल चंदन या चमेली के तेल में मिश्रित सिंदूर लगाना चाहिए। मंगलवार ब्रह्मचार्य का दिन है, इस दिन आपको शक्ति को एकत्रित करना है, ना कि खंडन करना है। दक्षिण पूर्वी आग्नेय दिशा में आपको यात्रा करनी है। और अंत में आपके लिए कि आप मंगलवार का व्रत रखकर हनुमान जी की उपासना करें, फिर किसी भी हनुमान मंदिर में मंगलवार को नारियल, सिंदूर, चमेली का तेल, केवड़े का इत्र, गुलाब की माला, पान का बीड़ा और गुड़ चना चढ़ाएं।
गुड़ खाएं और खिलाएं भी। ऐसा करने से आप हनुमान जी को प्रसन्न करेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आए हो, खुशियां आप अगर मेरी जिंदगी में भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब अगर नए हैं तो, और कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु की एक और नई दुनिया में ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।